जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्टशेष आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है। हम सभी लोग 3रा अध्याय प्रारंभ कर रहे थे, जिसमें 7 पृथ्वियों के नाम की चर्चा चल रही थी और उसके साथ साथ ही 3 लोक में क्या कहाँ किसकी व्यवस्था है इसके रूप को भी अपन देख रहे थे। कल अपन ने देखा था कि अधोलोक और ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक कितने कितने राज्यों का है, इसकी पीछे आगे कितना ये चौड़ा है लंबा है इसके बारे में देखा था। और कल अपन ने ये भी देखा था कि जो राजू है वह राजू का माप कितना है, तो असंख्यात महायोजनों का एक राजू देखा था। और एक योजन जो अपन ने देखा कि 4 कोश का एक लघु योजन होता है और 2000 कोश का एक महायोजन होता है। अब अपन आगे प्रथम पहले एक सूत्र को जो पहले अध्याय 3रे अध्याय का प्रथम सूत्र है उसको एक बार बोर्ड में देख लेते हैं, फिर आगे सूत्र की व्याख्या करते हैं। 3रे अध्याय का प्रथम सूत्र, रत्न सरकरा वालुका पंक धूम तमो महातमह प्रभा भूमयो घनाम्बु बाता काश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। इस प्रकार से ये सूत्र है। ये रत्न प्रभा भूमयो भूमि, सरकरा प्रभा भूमियो, बालुका प्रभा भूमियो, पंक प्रभा भूमियो, धूम प्रभा भूमियो भूमि और महातम प्रभा भूमि। इस प्रकार से 7 भूमि हैं, सात भूमि है, अधो अधा ये नीचे नीचे एक दूसरे के नीचे नीचे ये 7 भूमियाँ हैं। और ये प्रत्येक भूमि किसके आधार पर है, तो घनाम्बु वाताकाश, घनाम्बु वात और घनाम्बु वात आदि आकाश के आधार पर है। मतलब घन घनोदी वात वाले जो घन वात वाले के आधार से है, घन वात वाले तनु वात वाले के आधार से है और तनुवात वलय आकाश के आधार से है और आकाश अपने आधार से है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक भूमि के नीचे घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनुवात वलय और आकाश, इस प्रकार से ये प्रत्येक भूमि के बीच बीच में है। पूरे 3 लोक में तो है ही है वात वलय 3, लेकिन इस प्रत्येक भूमियों के नीचे भी बात बले हैं, जिसके कारण ये पृथ्वियाँ जो हैं उसके आधार से टिकी हुई हैं। इस प्रकार से 7 प्रकार की पृथ्वियाँ हैं। यहाँ पे देखिए 7 नरक के नाम लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा है, रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम और महातम। सबके आगे प्रभा लिखा है। प्रभा का मतलब होता है दीप्ति, प्रभा का मतलब होता है कांति। तो कैसे हैं पृथ्वी के नाम, रत्न प्रभा, जैसे रत्न की दीप्ति होती है ऐसे ही पहली पृथ्वी कैसी है, रत्न की दीप्ति की तरह पहली पृथ्वी है, मतलब उसकी ऐसी चमक है। दूसरी जो पृथ्वी का नाम है वो शर्करा प्रभा है। शर्करा मतलब क्या, जो बालू होती है तो बालू से थोड़ी बड़ी जो किंकरी होती है उस प्रकार की, उसकी प्रभा उसकी दीप्ति के समान क्या है दूसरी जो पृथ्वी है। तीसरी कैसी है, बालुका, वो जो बिल्कुल पतली जो बालू होती है, जो आपने नदी के किनारे आदि देखा होगा वो बालू, उसकी जो कांति है उसकी जो दीप्ति है वैसी वो पृथ्वी जो है वो बालू का प्रभा। पंक प्रभा, पंक मतलब कीचड़, जैसे कीचड़
की जो चमक है वैसी प्रभाव वाली पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये देखिए कि कीचड़ में भी दीप्ति होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें दीप्ति ना हो, कांति ना हो, प्रभा ना हो। तो ये जो चौथी पृथ्वी जो है पंख प्रभा, वो कीचड़ के दीप्ति की तरह यह है, क्या बोलते कि पृथ्वी है। और धूम प्रभा, धूम मतलब धुआं, जैसे धुएं का जो रंग है या धुएं की जो कांति है या दीप्ति है, वैसी पृथ्वी का होना, वैसी पृथ्वी का कलर होना, तो वह धूम प्रभा है। और तम प्रभा मतलब बिल्कुल डार्क, अंधकार, अंधेरी। तो जो जैसे डार्क है, अंधेरा होता है, वैसी दीप्ति वाली पृथ्वी, तो वो डार्क भी अंधेरा भी उसमें कहीं ना कहीं दीप्ति होती है। तो प्रत्येक चीज़ में दीप्ति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और उससे भी ज़्यादा अंधेरा, तम से भी ज़्यादा महातम, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा, ऐसा अंधेरे जैसी दीप्ति वाली प्रभा जिसमें है ऐसी पृथ्वी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें, सात प्रकार की जो पृथ्वी, जैसे उनके नाम हैं वैसे ही उनकी वह प्रभा है, दीप्ति है। तो वो इस प्रकार से अपन ने सात पृथ्वियाँ देखी। ये जो सातों पृथ्वियाँ हैं, और एक अष्टम पृथ्वी होती है जो ईषत प्रावत पृथ्वी होती है, जो शुद्ध शिला जो अपन बोलते हैं वो आठवीं पृथ्वी होती है। तो पूरे तीन लोक में आठ पृथ्वियाँ हैं, सात तो ये अधोलोक में हो गई, और एक जो आठवीं पृथ्वी है ईषत प्रावत पृथ्वी अर्थात सिद्ध शिला जिसमें बनी हुई है वो पृथ्वी, वो ऊर्ध्वलोक में हो गई। इस प्रकार से आठ पृथ्वियां हैं। जो स्वर्ग आदि हैं उनमें कोई पृथ्वियां नहीं हैं, वो तो एक इस प्रकार से स्पेस है, उन स्पेस में बादलों में वह जो है स्वर्ग आदि हैं। लेकिन जो अष्टम पृथ्वी है, वो अष्टम पृथ्वी में तीन घनोदधि, घन, तनुवात वलय और आकाश, ये पूरा उसके आधार से वो अष्टम पृथ्वी भी है। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं अष्टम वसुधा पाने को। तो अष्टम वसुधा पाने मतलब हे प्रभु, जो मैं ये अर्घ लेके आया हूँ वो आठवीं जो पृथ्वी है उसको पाने के लिए। उसको पाना मतलब उस पृथ्वी में हम गए नहीं हैं कभी, ऐसा नहीं है, हम तो निगोदिया जीव बन के वहाँ कई बार चले गए हैं। अष्टम वसुधा मतलब सिद्ध शिला, सिद्ध भगवान। हम जो तनुवात वाले ऊपर, सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वाले, अंतिम बात वाले, वहाँ पे जाके विराजमान होना चाहते हैं अर्थात सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं, वो अष्टम वसुधा। तो ये सात पृथ्वियाँ जो हैं वो अधो लोक में हैं। इस प्रकार से तीन लोक में, नीचे अधो लोक में सात पृथ्वियाँ, मध्य लोक में मनुष्य, त्रियंचे और ज्योतिष देव और वेंतर भी और भवनवासी भी आ सकते हैं, रहते भी हैं। और ऊपर के जो हैं वैमानिक देव आदि 16 स्वर्गों में, और उसके ऊपर जाकर के सिद्ध शिला और सिद्ध भगवान। अब अपन थोड़ा सा तीन लोक की व्यवस्था को यहाँ पर देखते हैं। ये तीन लोक की स्थिति है, और ये अभी अपने जो बनाया है ये फ्रंट का बनाया है, सामने का बनाया है। और सामने का इसका माप कितना है अपन देखिए, देखिए जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एक राजू है, कितना है एक राजू। आप अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, अपन ने लाइन खींची एक राजू है, थोड़ा सा इस तरफ गया डाउन होके फिर इस तरफ आया, और ऐसे इसी प्रकार ये पूरा नाप तोल करके यहाँ से यहाँ तक के 3.5 राजू है, यहाँ से यहाँ तक का ये 3.5 राजू है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से और ये जो इतना स्पेस है ये कितना है, ये 5 राजू है, कितना है ये 5 राजू। और यहाँ से यहाँ नीचे तक ये जो है ये 7 राजू है, 7 राजू, ठीक है। और ये जो है ये भी कितना है, ये 7 राजू है, ये 7 राजू। यहाँ से लेकर के ये पूरा मध्य लोक है, ये मध्य लोक पूरा 1 राजू। यहाँ से हाइट यहाँ तक मध्य लोक में आएंगे तो 7 राजू, यहाँ से हाइट यहाँ तक जाएंगे तो 7 राजू। बात समझ में आ रही है ना आपको लोक की, ये पूरा जो लोक है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 राजू ऊंचा है, ये पूरा ये 14 राजू, ठीक है। ये नीचे का जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये 7 राजू। ये भाग जो है ऊपर वाला जाकर के वो 1 राजू है। यह जो यहाँ स्थान है इस स्थान से ये वाला स्थान है 5 राजू। ये मध्य लोक का जो स्थान है वो कितना है, इतना ही है जितना ये है, 1 राजू। और ये नीचे से लेकर के मध्य लोक तक कितना है, 7 राजू। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 7 राजू।
यदि अपन इसको यहाँ देखते हैं ऐसा करके, तो ये 3.5 और ये 3.5, इसको यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो कितना हो जाता है 7 राजू। इस प्रकार से ये लोक का माप है। अब अपन को ये है, ये फ्रंट का है भी। अब अपन कहाँ पर हैं, कौन सी स्थिति में हैं, और ये इस तरफ ये जो है अधोलोक है, ये पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक है, ये पूरा का पूरा जो है मध्यलोक है। तो अपन ने फ्रंट का समझा, अब अपन पीछे का भी समझते हैं, ठीक है ना। और ये जो लोक है, ये लोक तीनों को मिलाकर के लोक होता है, ठीक है। अजाशी नमोस्तु। ये लोक किसने बनाया है? जैन शास्त्रों में और भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, लोगो अकृत्रिमो खलु, जो लोक है वो अकृत्रिम है, किसी ने कृत्रिम रूप से बनाया नहीं है। यह किसी परमात्मा के द्वारा नहीं बनाया, यह किसी और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया, यह स्वमेव अकृत्रिम रूप से अनादि अनिधन है, ये अनादि काल से है और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। इसमें जो भी परिणमन होना है वो परिणमन होता रहेगा, लेकिन जो लोक की जो रचना है, यह संसार, ये पूरा लोक क्या है, संसार है, विश्व है, और इस विश्व का कर्ता धर्ता कोई नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और इसकी रक्षा करते हैं, वो इसका विघ्न करते हैं, इसका महाप्रलय भी करते हैं, ऐसा जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा कुछ न बनाया गया है और न परमात्मा के द्वारा इसका कोई कर्ता धर्ता है। यह सृष्टि अपने आप ही स्वभाव से ही यह अनादि अनिधन है, और इसके बनाने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात ये लोक जो है अकृत्रिमो खलु, अकृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे कि लोक में जो व्यवस्था है, जो हमने फ्रंट का आपका चित्र बताया था, पीछे जाकर के यह कैसे लोक दिखाई देता है। तो अपन इस चित्र को देखने के माध्यम से ये देखेंगे कि लोक जो 7 राजू फ्रंट में हैं, तो पीछे जी भी जाकर के 7 राजू है, उसका चित्र भी बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो अपन ने अभी ये फ्रंट का देखा था, और देखिए ये पीछे भी जा रहा है और पीछे जा कर के भी 7 राजू है। ये फ्रंट का 7 राजू था, और ये त्रियक में पीछे जा कर के ये 7 राजू है, और ये भी पूरा जा कर के 7 राजू है। तो इस प्रकार से ये तीन लोग जो ऐसे जा कर के हैं, ये फ्रंट अपन ने दिखाया था अभी आपको, और ये जाके ये ऐसे जा रहा है, तो जितना ये सामने का था उतना ही ये पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है, इसकी जो व्यवस्था है, ये त्रियक, इसलिए इसको त्रियक लोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक पूरा ऐसे जा करके ये ऐसे, ये त्रियक में है, तो ये पीछे के पीछे भी जा रहा है। अब 7 राजू जो है वो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर, और 7 राजू ही पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे ये जा रहा है इस तरफ ऐसे, और ये इस तरफ ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों तरफ कैसा है, 7 7 राजू है, और सामने भी 7 राजू है। तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये दोनों कैसा है, 7 राजू है। अपन जो रह रहे हैं, ये जो ये बीच की जो स्थिति है, इस बीच में एक त्रस नाली है। क्या है, त्रस नाली है। उस त्रस नाली में ही स्वर्ग हैं, नरक हैं, और ये मध्य लोक में जो मनुष्य हैं, 2.5 द्वीप है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वो सारी की सारी स्थिति यहाँ पर है। ये देखिए, ये बिल्कुल लोक के बीचों बीच, ये पूरा लोक है, इस लोक के बीचों बीच ये त्रस नाड़ी है। क्या नाम है, त्रस नाड़ी, जो चारों तरफ से एक राजू एक राजू एक राजू, जिसकी मोटाई है, जिसकी चौड़ाई है, ये कैसी है, 1 राजू की है, ठीक है ना। और ये ऊपर जो है ये 13 राजू में से कुछ कम, इस प्रकार से ये जो है ये पूरा तो 14 राजू है, और ये त्रस नाड़ी पूरी 14 राजू नहीं है, 13 राजू में कुछ कम है। इस प्रकार से ये तृष्णाड़ी बीचों बीच है, तीन लोक के बीचों बीच है। अब देखिए यहाँ पर निशान बना देते हैं अपन, तो ये बन जाता है मध्य लोक का, ये क्या हो जाता है, मध्य लोक। इसके ऊपर जो है ये सारे के सारे स्वर्ग के स्थान हैं, ठीक है ना। ये नीचे जो अपन ने भी 7 पृथ्वियाँ पढ़ी, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमा, तो ये सब सातों पृथ्वी इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये सातों पृथ्वियाँ बनती जा रही हैं,
ठीक है ना। तो ये सातों पृथ्वियां यहाँ पर हैं, ऊपर ये स्वर्ग है, और ये ऊपर जा करके जो है यहाँ पर लास्ट में जा करके तनुवात वलय में जो है सिद्धालय है, अर्थात जहाँ पर सिद्ध भगवान होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाहर जो है ये सारे एकेंद्री जीव भरे हुए हैं। ये तृष्णाली जो है इसको छोड़ करके, इसमें तो है ही है एकेंद्री जीव, इसके बाहर भी पूरे लोक में ठसाठस एकेंद्री जीव भरे हुए हैं। लेकिन इसका नाम क्या पड़ा? तृष्णाली। क्यों पड़ा? क्योंकि जो तृष्णाली है इसमें एक इंद्री के साथ साथ त्रस जीव हैं, इसमें कोई त्रस जीव नहीं होते हैं। त्रस मतलब किसे कहते हैं? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री, इन जीवों को कहते हैं त्रस जीव। इसलिए इसका नाम त्रस नाड़ी पड़ा। नाली की तरह है, नाड़ी की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। इस प्रकार से पूरे के पूरे तीन लोक के बीचों बीच एक त्रस नाड़ी होती है, जिसमें अधोलोक में नरक आदि की व्यवस्था, ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग आदि की व्यवस्था, और मध्य लोक में जो ढाई द्वीप हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इस पर जिसमें ज्योतिषी देव हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, ये सारे मध्य लोक में हैं। तो इस प्रकार से ये तृष्णाड़ी की व्यवस्था, आपको ये बात समझ में आ गई ना? आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें तृष्णाड़ी बनी हुई है, बिल्कुल एक ट्यूब की तरह है, जैसे ट्यूबलाइट है ऐसे ट्यूबलाइट की तरह एक बनी होगी, गोल नहीं है ये, आयताकार होती है, लेकिन ये पूरी लंबी है। और आप इसमें देखिए तृष्णाड़ी में क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, तृष्णाड़ी कहाँ पर है तीन लोक में। तो क्या लिखा है? लोक के बिल्कुल मध्य भाग में, जो अभी हमने आपको चित्र बताया था, लोक के मध्य भाग में तृष्णाड़ी होती है, ये चित्र में देखो बना हुआ है। और ऊंचाई कितनी होती है इसकी? कुछ कम 13 राजू। कितनी होती है तृष्णाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो? कुछ कम 13 राजू होती है। लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 1 राजू है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई भी इसकी 1 राजू है, लंबाई भी 1 राजू और चौड़ाई भी 1 राजू। इसका जो घनफल भी है वो इतना ही है, कुछ कम 13 राजू, 13 घन राजू, कुछ कम 13 घन राजू। क्योंकि जब लंबाई और चौड़ाई एक एक है तो 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो भी 13 आएगा, तो इसलिए घनफल भी कितना निकल के आएगा? 13 राजू। तो कुछ कम है 13 राजू। और इसका आकार बताया जैसे कि एक अपन एक ट्यूबलाइट खड़ा कर दें, बिल्कुल वैसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीनों लोगों के मध्य में, चूंकि इसमें दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री जी पाए जाते हैं तृष्णाड़ी में, तो इस कारण इसका नाम तृष्णाड़ी है। अब उसमें ये भी देख सकते हैं कि अपन जो पांच इंद्री जीव कहाँ पर हैं, दो इंद्री जीव कहाँ पर हैं, ये सारी व्यवस्था जब अपन आगम से पढ़ेंगे तो वो भी अपन को समझ में आ जाएगा। अब अपन यहाँ पर जो तीन बात वाले पढ़े थे, जो अपन ने पहले सूत्र में जो घनाम्बु वाता काश ये शब्द पढ़ा था, तो उसमें अपन को तीन बात वाले निकालना है, घनोदधि बात वाले, घन बात वाले, तनु बात वलय और फिर आकाश। तो इसको भी अपन एक बार देखते हैं। ये जो संपूर्ण तीन लोक अपन ने पढ़ा था, इन संपूर्ण तीन लोक को ये तीन बात वलय, देखिए पूरे 1 2 3, ये तीन बात वलय चारों चारों तरफ देखिए, अब तीन बात वलय बने हुए हैं। वात वलय, वात मतलब पूरा घेरा, एक दूसरे को घेरे हुए हैं। कैसे घेरे हुए हैं? जो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं तनुवात वलय, तनुवात वात वलय। जो ये वाला बीच वाला है वो घन वात वात वलय, ठीक है ना। और ये जो पहला नंबर वाला है इसको बोलते हैं घनो ददी वात वलय। अब ये कहीं भी नाम लिखेंगे नाम वही रहेगा, चारों तरफ जो नाम है वो का नाम किसके हैं? घनो दधि वात वलय, घन वात वात वलय और तनुवात वात वलय। इस प्रकार से ये तीन लेयर से ये पूरा का पूरा जो तीन लोक है, और इसके बाहर एक कौन है? ये सब पूरा आकाश है, आकाश तो इसमें भी है और इसके बाहर भी आकाश है। आकाश पूरा अखंड है, जितने में ये तीन बात वाले तक पूरा आ गया इसको बोलेंगे अपन लोकाकाश, लोक का आकाश। और इसके बाहर का जो आकाश होगा वो उसको बोल देंगे अपन अलोकाकाश। आकाश के दो भेद नहीं है, आकाश पूरा एक है।
जिसमें तीन लोक की संरचना है, जहाँ तक ये बात बले है, यहाँ तक का जो आकाश होगा हम उसको बोलेंगे लोकाकाश, और इसके बाहर का जितना भी आकाश होगा उसे बोलेंगे हम अलोकाकाश। तो घनोदधि वात वलय किसके आधार पर है? घन वात वात वलय के आधार से है। घन वात वात वलय किसके आधार से है? अंतिम तनु वात वलय के आधार से है। तनु वात वात वलय के आधार से है, और ये किसके आधार से है? आकाश के आधार से है। अंतिम आकाश आ गया ना ये, और आकाश किसके आधार पर? आकाश अपने आधार पर है, आकाश किसी और के आधार पर होता नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि ये तीन लेयर जो हैं यहाँ पर भी हैं, और जो अपन ने बीच में पृथ्वियाँ देखी थी, सात पृथ्वियाँ, तो हर पृथ्वी के नीचे भी ये तीन तीन वात वलय और आकाश है। जैसे वात वलय यहाँ पर हैं, ऐसे ही जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके नीचे भी तीन वात वलय ऐसे बने होंगे जैसे ये बने हैं, और फिर दूसरी पृथ्वी होगी शर्करा, तो उसके नीचे भी तीन वात वलय और आकाश। तो इस प्रकार से प्रत्येक पृथ्वी के नीचे भी ये वात वलय बने हुए हैं, और ये पूरे तीन लोक को भी घेरा हुआ वात वलय है। इस प्रकार से ये बात अपन समझें, ठीक है? तीन नाम, घनो दधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। अब इनके अर्थ क्या होते हैं उसको भी देखते हैं। अपने यहाँ स्लाइड में देखेंगे लिखा हुआ है लोक के चारों ओर तीन वलय वलय घेरा। किस प्रकार से है देखिए, लिखा है लोक का आधार, क्या लिखा है? तो क्या लिखा उसके सामने? घनो दधि वात वलय। जो लोक है पूरा उसका आधार क्या है? पहला घनो दधि वात वलय। तो घनो दधि वात वलय क्या है? घन ठोस, घन का मतलब होता है ठोस, उदधि मतलब जल, उदति मतलब जल, ठोस जल, और वात वलय वात मतलब वायु, जहाँ पर ठोस वायु प्लस जल का घेरा हो, ठोस वायु प्लस जल इनका क्या हो? घेरा हो। पहला जो राउंड है इसमें ठोस जल, ठोस वायु और ठोस जल का घेरा होता है, इसके लिए इसका नाम होता है घनो दधि वात वलय, ठीक है ना? मतलब अपन कह सकते हैं वाष्प, वाष्प है। जो वाष्प होती है वो ठोस रूप से है, ये पहला जो घेरा है ऐसा, इसका नाम घनो दधि वात वलय है। अब घनो दधि वात वलय किसके आधार पर है? तो घनो दधि वात वलय का आधार क्या है, वो किसके आधार पर है? तो नीचे लिखा है घन वात वलय, क्या लिखा है? घन वात वलय। घन वात वलय मतलब क्या हो? वात मतलब वायु, कैसी वायु? घन रूप से ठोस वायु का घेरा, कैसा? ठोस वायु का घेरा। तो दूसरा जो घेरा है वो कैसा है? ठोस वायु का घेरा है, इसलिए इसका नाम पड़ा घन वात वलय, मतलब मोटी हवा, ठीक है ना? क्या लिखा हिंदी में अर्थ? मोटी हवा। अब ये जो घन वात वलय है ये किसके आधार पर है, इसका आधार क्या है? तो तनु वात वलय, अंतिम वात वलय जो है उसका नाम क्या है? तनु वात वलय। तो तनु वात वलय मतलब तनु मतलब पतली, तनु मतलब पतली, और वात मतलब वायु, तो पतली वायु का घेरा, तनु वात वलय, पतली वायु का घेरा। इस प्रकार से पतली वायु, तो अपन ने देखा पहले घेरा में वाष्प, दूसरे में मोटी हवा, और तीसरे में पतली हवा, और तनु वात वलय किसके आधार पर है? तो नीचे लिखा है आकाश, कैसा लिखा है? आकाश। तो इस प्रकार देखो चित्र में देखा होगा तीन वात वलय बने हुए हैं। अधोलोक की जो सातों पृथ्वियां हैं वो किसके आधार पर है? घनो दधि वात वलय के आधार में स्थित हैं। इस प्रकार से सातों पृथ्वियों का आधार जो है वो घनो दधि वात वलय है, जो अपन ने सूत्र में पढ़ा था। ये पूरा का पूरा जो तीसरा अध्याय है चित्रों के माध्यम से समझा जाएगा, और अपन ने आज तीन लोक की व्यवस्था देखी कि तीन लोक का आकार कैसा है, इसको वात वलय और सात पृथ्वियाँ आदि। अब इसके आगे अपन अधोलोक का कल चित्र के माध्यम से वर्णन देखेंगे। आप सब लोग जरूर कॉपी पेन लेकर के बैठें, जिससे आपको पढ़ने में लिखने में सहूलियत जाए। अब अपन सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र।
जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य जी के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वाश्रुति का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।